हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं फ्रेम रेट के बारे में, जैसे कि हम फ्रेम रेट सेटिंग को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है, तो क्लिक कर लेंगे फ्रेंड्स सेटिंग पर। सेटिंग पे जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा आपको ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है सिस्टम सेटिंग, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर क्लिक करना है और आपको इस तरीके से आइकन शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है फ्रेम रेट, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं जैसे कि 60 फ्रेम रेट है, 30 है, 24 है, 15 है, जितना आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर 30 कर लेता हूँ, 30 करते ही आपको ये 30 हो जाएगा और आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो एक और तरीका है, उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आपको सेटिंग पर जाना है और आपको इस तरीके से आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, सर्च वाले ऑप्शन पे जाना है और आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। क्या सर्च करना होगा, फ्रेम रेट, तो यहाँ पर शो हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करना होगा आपको और जैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका शो हो जाएगा फ्रेम रेट। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से आइकन शो हो जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जितना आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर 60 कर लेता हूँ, मेरा 60 हो जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पे देख सकते हैं रिकॉर्ड सिस्टम साउंड, यानी कि आप इसे ऑन करेंगे तो आप अपने सिस्टम साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऑफ़ करना चाहते हैं ऑफ़ कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।